दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलन के एपिसोड 218 की पार्ट 1 पर। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। जैसा ही हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है उसके साथ ही हम देखते हैं तांगाओ को, जो कि कहता है सेवन चल रहे ग्रैंड मास्टर टैंगसन के साथ फाइट करता है। तो उसका दोनों हैमर का वेट टोटल 5000 किलोग्राम तक हो सकता है, जिसकी वजह से टैंगसन को दोनों अटैक का सामना एक साथ करना होगा, जिसके साथ ही हम देखते हैं टैंगसन को और सेवन चल रहे को। और यहाँ पर सेवन चल रहे बात से बहुत ही ज्यादा खुश होता है, अभी के लिए उसे दोबारा से टैंगसन को पीटने का मौका मिलने वाला है, जिसके साथ वो अपनी सेवन स्पिरिट टेक्निक को यूज करता है। उसके साथ ही उनकी बॉडी भी एक्टिवेट हो जाता है, जो कि अटैक को पावर को बूस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम देखते हैं वो अपनी हैमर के साथ टैंगसन के ऊपर अटैक कर देता है, जिनसे बचने के लिए टैंगसन लेफ्ट आर्म बोन सॉलिड पॉइंट की टेक्निक को यूज करता है, और टाइटन जेंट वेब की काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक में से एक है। और इसके साथ ही हम देखते हैं सेवन चैल्डर का हैमर का अटैक पहले के लिए डिपीट हो जाता है, जिसके साथ सेवन कहते हैं टैंगसन लेफ्ट आर्म बोन सॉलिड पॉइंट टेक्निक है, जो कि उसके अर्मिंग से मिले है। जिसके साथ सेवन चैल्डर टैंगसन से कहता है मैं तुम्हें काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया है। और इसके साथ वो अपनी पहली हैमर को बुला लेता है, और इसके साथ टैंगसन से कहता है तो चलो मैं देखता हूँ तुम दोबारा से मेरे को सर्वाइव कर सकते हो या फिर नहीं। उसके साथ वो अपने दोनों हैमर को ज्वाइंट कर देता है, जिसकी वजह से उसके अटैच पावर और भी ज्यादा बढ़ जाता है, और अभी के लिए वो अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक को टैंगसन पर कर देता है। उसी के साथ सेवन चैल्डर दोबारा से टैंगसन पर अटैक कर देता है, तो उसी के साथ टैंगसन उसी टेक्निक को यूज करता है, मगर अभी के लिए टैंगसन इसके सारे पावर को अनलिस्ट कर देता है। और उसके साथ ही कहता है टाइटन जॉइंट वेव लेफ्ट हैंड स्पिरिट बोन टेक्निक जॉइंट वेव डेथ पेस। और उसके साथ टैंगसन कहता है टाइटन जॉइंट टेक्निक डायरेक्टली अपनी साइड पर मौजूद वेव्स को सप्रेस करने के बाद अपनी पावर की शेप ले लेती है, और उसके सारे पावर को अटैक लाइट के सेप लेकर अपनी एनिमी पर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर हम ऐसा ही देखते हैं जैसे टैंगसन सॉल बोन को टेक्निक को यूज करता है, सेवन चैल्डर का ये अटैक बहुत ही इजीली डिपीट हो जाता है। और इसके साथ टैंगसन कहता है टाइटन जॉइंट एब ए अटैक सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक में से एक है, जिसकी स्ट्रेंथ किसी भी पावरफुल ग्रैंड सोल मास्टर के नाइन्थ स्पिरिट रिंग का मुकाबला बहुत ही इजीली कर सकते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं सेकंड एल्डर को, जो कि इस फाइट को देख रहा होता है, और इसके साथ ही कहता है ये अभी तक सिर्फ अपनी स्पिरिट बोन टेक्निक को ही यूज किया है, जिसे यूज करने के बाद सेवंथ ब्रदर के डबल प्रोटेक्ट की स्पिरिट बोन को बहुत ही इजीली डिपीट कर लिया है। और इसके साथ ही हम देखते हैं सेवंथ एल्डर काफी ज्यादा पीछे आकर गिरता है, जिसके साथ ही सेकंड एल्डर दोबारा से कहता है टैंगसन की एबिलिटी को अभी के लिए अंडर एस्टिमेट करना काफी बड़ी गलती हो सकती है। और इसके साथ ही सेकंड एल्डर सेवंथ एल्डर को गिरने से बचा लेता है, और उसके साथ ही सेवंथ एल्डर कहता है कि हर किस पॉसिबल है, मैं इस बात पर यकीन नहीं करता है, इसने मेरे डबल अटैक को इतना इंप्रोबैक कर लिया है, मैं इस अटैक में उन्हें इंजोर भी नहीं कर पाया। जिसके साथ सेकंड एल्डर उसे कहता है तुम्हें मजीद फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं, अगर टैंगसन की इस अटैक का मतलब तुम्हें इंजोर करना होता तो मुझे इस बात का पूरा यकीन है, अभी के लिए तुम काफी ज्यादा इंजोर हो चुके होते, टैंगसन ने ऐसा नहीं किया। इसके साथ टैंगसन वहाँ पर आ जाता है, जिसके साथ सेवंथ एल्डर उसे कहता है मैं अपनी डिपीट को कबूल करता हूँ, आज के बाद मैं टैंगहाओ के बारे में कुछ भी बात नहीं करूंगा। जिसके साथ टैंगसन उसे कहता है सेवंथ एल्डर मैं सबके लिए माफी चाहती हूँ। जिसके साथ सेकंड एल्डर कहता है अभी की तुम्हारी करंट एबिलिटी के साथ तुम हमारे क्लैन में बात करने के लिए काबिल हो, मगर अगर तुम टैंगहाओ की मैटर पर बात करना चाहते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम हमारे क्लैन की लास्ट लीडर डिसीजन पर डाउट कर रहे हो और उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हो, और उसके साथ ही साथ तुम हमारे क्लैन लीडर की पावर पर चैलेंज कर रहे हो, क्या तुम्हें इस बात का पता है इन सब का परिणाम क्या हो सकता है। जिसके साथ टैंगसन उनसे कहता है बात जो भी हो मुझे अपने पेरेंट्स के लिए जस्टिस मांगना होगा और मैं हर हाल में बात करूंगा। इसके साथ टैंगसन टैंगसन से कहता है जो लोग अपने क्लैन की एल्डर की रिस्पेक्ट नहीं करते उसका मतलब है वो अपने क्लैन पर विरोध करता है और अपने क्लैन से ही धोखा करता है। जिसके बाद पांचों के एल्डर अगर तुम्हें किल भी कर दे हम उसमें उसे किसी भी आवाज नहीं उठा सकते क्योंकि ये हमारे क्लैन की एल्डर्स है, तुम्हें इस बात को अच्छे से समझना होगा। जिसके साथ टैंगसन उसे कहता है तो ये बात ऐसी है मैं पांचों एल्डर को एक साथ चैलेंज करता हूं, अगर मैं इस चैलेंज में मारा भी जाऊं तो मैं अपनी डिसीजन पर जरा भी गिल्टी फील नहीं करूंगा। जो सुनते ही वहां पर मौजूद हर लोग हैरान हो जाते हैं, इवन की टैंगहाओ और टैंगसन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, उसके साथ ही पांचों एल्डर भी हैरान हो जाते हैं। जिसके साथ सेकंड एल्डर टैंगसन से कहता है तो फिर तुम माउंटेन पीस पर हमारे पीछे आ जाओ और हम लोग हमारे सारे मेंबर को वहां पर डील करेंगे। जिसके साथ हम देखते हैं पांचों के एल्डर्स एक माउंटेन के ऊपर आ जाते हैं, और उसके साथ टैंगसन अपनी फैमिली और क्लैन के मेंबर के साथ वहां पर आ जाता है, और उसी के साथ क्लैन का एक मेंबर कहता है क्या ये लड़का पागल हो चुका है, इसने हमारे एल्डर्स को एक साथ चैलेंज किया है जिनको हरा पाना हर किस पॉसिबल है। जिसके साथ टैंगसन जंप करता हुआ सारे एल्डर के सामने आ जाता है, और इसके साथ सब एल्डर्स से कहता है अगर मैं इस मैच में जीत गया तो आप सब एल्डर्स सारे लोग फादर की बात को सुनेंगे। इसके साथ सेकंड एल्डर उसे कहता है हमारे दुनिया ने हमेशा ही एबिलिटी वाली पर्सन को रिस्पेक्ट की है, अगर तुम इस मैच में जीत गए तो हम पुरानी बात को भूल जाएंगे, मगर अगर तुम इस मैच में हार गए तो इसके बाद तुम्हें आज के दिन जो तुमने किया है तो उसका सजा के लिए रेडी रहना होगा। इसके साथ ही हम देखते हैं सेवो को, जो कि कहते हैं पांच ग्रैंड सोल मास्टर का मुकाबला एक साथ। उसी के साथ टैंगसन उसे कहता है टैंगसन अभी भी काफी यंग है मगर हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए क्योंकि वो हमारे क्लैन का सबसे ज्यादा टैलेंटेड पर्सन है। जिसके साथ सेकंड एल्डर उसे कहता है सेक मास्टर आज के दिन टैंगसन ने जिस बात पर आवाज उठाया है वो आपके डैड का फाइनल डिसीजन था और वही आपका डैड का लास्ट दिन था जब केवल डैड ने डिसीजन लिया था, आप लोग को अच्छे से सोचना चाहिए क्योंकि सारे पार्ट का मकसद हमारे क्लैन टैलेंट से रिलेटेड है। जिसके साथ टैंगसन काफी हेल्पलेस हो जाता है, और इसके साथ ही दोबारा से हमें सेवो की आवाज आती है पांच एल्डर ग्रैंड सोल मास्टर के पार्ट वन एम्पर के पांच ग्रैंड सोल मास्टर के पार्ट की तरह होने वाला है। जिसके साथ टैंगसन उनसे कहता है आप सबको मेरे ऊपर भरोसा
करना होगा। उसके साथ जैसे उसे कहते हैं तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। जिसके साथ टैंगसन अपनी माइंड में सोचता है मैं अपने डैड के नाम को दोबारा से रेज कर सकता हूँ, सिर्फ इनके लिए मुझे 5 ग्रैंड सोल मास्टर के साथ फाइट करना होगा। उसके साथ क्या मेरे क्लैन के मेंबर क्लैन को दोबारा से यूनाइट कर सकता हूँ जैसा कि वो पहले जैसा हुआ करता था। ये सिर्फ इस पाइट पर डिपेंड करता है जिसकी वजह से मुझे पाइट को नहीं हारना। जिसके साथ टैंगसन कहता है पाइट में मुझे एल्डर को पहले के लिए मुंह नहीं करना देना, मुझे पहला मुंह चलना होगा और इन सबको कंट्रोल करना होगा। जिसके साथ टैंगसन सारे एल्डर को पाइट स्टार्ट करने के लिए कहता है। उसके साथ टैंगसन अपनी एयर सोल टेक्निक को यूज करता है, इनसे सारे एल्डर डॉज कर लेते हैं। उसके साथ सेकंड एल्डर टैंगसन से कहता है आज के दिन हम तुम्हारे स्पिरिट पावर को भी चेक करेंगे। उसके साथ पांचों एल्डर अपनी पाई परमिशन टेक्निक को यूज करते हैं जो कि सबका पावरफुल अटैक होता है। जिसके साथ हम देखते हैं परमिशन गैदर होना स्टार्ट हो जाता है और उसके साथ टैंगसन कहता है ये प्रेशर काफी ज्यादा स्ट्रांग है, मुझे इस बात का नहीं था पता। पांचों एल्डर मेरे ऊपर अटैक करने के लिए यूनाइटेड प्रेशर को यूज करेंगे। ये परमिशन इन सबके लिए एक कंटेनर है जो कि इन सबका जॉइंट अटैक है, जिसे यूज करने के बाद वो लोग किसी को भी ये सप्रेस कर सकते हैं। और इसे यूज करने के बाद ये सब लोग हमारे क्लैन में सभी को सप्रेस करते हुए आए हैं। जिसके साथ सेवंथ एल्डर की आवाज आती है फर्स्ट जॉइंट अटैक द इफेक्ट ऑफ द हेवन हैमर। उसके साथ ही हम देखते हैं इन सबके पावर गैदर होना स्टार्ट हो जाता है। आसमान में एक बड़ा सा क्लेयर्स का हैमर हमें देखने को मिलता है। जिन सबको देखकर टैंगसन की मदर उनके पास आने लगते हैं मगर सेव उसे रोक देते हैं। सेव को टैंगसन की एबिलिटी के बारे में अच्छे से पता है मगर उसके साथ ही नेक्स्ट में हम देखते हैं वो काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। उसके साथ टैंगसन अपनी हाउट हैमर के साथ उस बड़ी से हैमर पर मारता है जिसकी वजह से वहां पर काफी बड़ा ग्लो होता है और उसके साथ सारे एल्डर्स कुछ देर के लिए सप्रेस करने के बाद उसे उठा लेते हैं। देखते हैं बाकी के क्लैन के मेंबर्स कहते हैं क्या ये मिशन कंप्लीट हुआ है, टैंगसन सच में इतना ज्यादा कमजोर है। उसके साथ ही हमारे दोबारा से चेंज हो जाता है जहाँ पर हम आ जाते हैं एंजल के ऊपर। यहाँ पर कियान रिजवे अपनी 8 एग्जाम को दे रही होती है और उसके साथ ही हम देखते हैं 8 एग्जाम का सेकंड स्टेज को जहाँ पर कियान रिजवे अपनी पहले की व्यू देखती है जहाँ पर उसकी सोच काफी ज्यादा डार्क थी, वो हेमंत स्कूल को कैप्चर करना चाहती थी। जिसके साथ ही हम देखते हैं वहाँ पर एक मेंबर आता है और इनसे कहता है मुझे जो कुछ आप इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था मैंने वो सब कुछ कर लिया है। कल की रात टेम्परस हुई आपसे आने वाली सक्सेसर के बारे में बात कर रहे थे जिनमें से सारे लोगों ने सेकंड प्रिंस का नाम लिया है। उसके साथ ही एम्परर भी इसके बारे में सोच रहे थे। जिसके साथ ही कियान रिजवे कहते हैं मुझे ऐसा नहीं था लगा सेकंड ब्रदर के बारे में फादर इतना ज्यादा सोच सकते हैं, तो चलो हम उसे किल कर देते हैं। तो उसी के साथ ही नेक्स्ट में देखते हैं वही मेंबर एम्परर की एरिया में आकर सेकंड प्रिंस को किल कर देता है। दोस्तों हमारे एपिसोड यहाँ पर कंप्लीट होता है, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।